तकदे बंदे ऐब ना कर दे चंगे लोग ताई नुकता जी नी फितना दोली दे पल्या दा काम ना हो नवा बंदा आवे अच्छा बंदा आवे हजूर फरमांदे ने दुनिया ते सुख ए पांदा ना है जड़ा गम कराला सांझा रख नहीं रे जाखड़े साड़ी दुआ है संजदा सी मूसा अलैहि सलाम अल्लाह पाक कामयाब जियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी मूसा अलैहि सलाम सईदा दी दुआवां तुहाडे नाल हो गईयां ने ते तुहानू सत्ता ही खैर हां जी बैठे हो तेरे को ताड़ी शाड़ी की बात आवे ना खत्म हो गई। साहबजादा पीर सैयद जहान शाह साहब दुआया कलमात के साथ चौधरी मूसा लाइक साहब को दुआ दे रहे थे। अब मैं आपसे मुखातब होने के लिए जिस नौजवान को दावत खिताब देने जा रहा हूं वो अपने इलाका की बल्कि जिला गुजरात की एक नामवर सियासी शख्सियत के साथ जाते हैं सदाबहार चेयरमैन हैं तो मेरी मुराद है आपकी भरपूर तालियों में राजा नदीम नवाज सदर मुस्लिम लीग का तहसील सैलम की आपकी भरपूर तालियों में राजा नदीम नवाज सबसे पहला मैं चौधरी मूसा लाई साहब का और उन्होंने वेलकम करना और बहुत खुशी हुई है जनाब आज बेहतर मर्जा आके मलक भाई सरवर साहब ने कहा और उन्होंने शौक शौक और उन्होंने ये प्यार देख के यकीन करो इतना कि मैं ज़्यादा खुश हुआ कि मिसाल नहीं पेश कर सकता। सैकेंडली जिस तरह की तुसा की पैस सारे दोस्तों बाप की पता है कि साल डेढ़ साल बाद यानी कि रिसेंटली पंचायती इलेक्शन भी अनाउंस हो रहे हैं उस तो बाद दूसरे इलेक्शन भी आने मैं मूसा अलैहि साहब को तकरीबन 2.5 साल दूंगा और मैं चाहना कि ये मैं थोड़े न जरूर शेयर करा कि मूसा अलैहि कैसा इंसान है या कैसा यूसा मैं भी अमेरिका कैनेडा में मेरी फैमिली भी सारी उठे दो दफ़ा नाजम एक दफ़ा चेयरमैन रिसेंटली मैं तहसील सदर इसराइल लीग मुस्लिम लीग का और जितनी दफ़ा भी मेरा कोई काम इलाके वास्ते फलाह बहबूद वास्ते किसी मसले बिच भी मूसा अलैहि सलाम ने मैं कॉल की है ट्रस्ट करे तो ना कॉल भी की और मैं थानू भी चाहना दोस्त बाब न काम होते रहते इलेक्शन भी होते रहते एक दफ़ा मूसा अलैहि सलाम तुसी जरूर अजमा के देखिए अजमाना तो नहीं चाहिए यानी कि कोशिश होनी है कोई काम थोड़ा हो उन्होंने कॉल करो क्योंकि मूसा लाई स्कॉटलैंड अमेरिका तो पढ़िया लिखा जवान है एक अच्छे घर को तलक है और दूसरा एक पैसे की कमी को नहीं खालस तन जो मैं फील किया है कि हर मौके पर चाहे वह रात है चाहे वह दिन है और अपने आप की वो बंदा पब्लिक में पेश कर रहे हैं और सब तो बड़ी जड़ी गल है कि इस इंसान में झूठ नहीं है ऑनेस्ट पढ़ा लिखा anyway. तो मैं मलक भाई साहब नू मेरा तलक तकरीबन जिस टाइम मलक भाई साहब डेनमार्क तू वापस आए मैं वाहिद इंसान हाँ कि मेरा भाई साहब के नाल बड़ा करीबी तलक होया है और मैं तमन्ना सी मेरी कि यार इस मुल्क में यूथ नू यंगस्टर नू अग्गे आना चाहिए मैं ही मलिक साहब नूं फोर्स किया कि जनाब तुसी चेयरमैनी का इलैक्शन लड़ो और अल्लाह पाक ने 48 यूनियन कौंसलों में दो नाजम सन एक मलिक वही साहब तो दूसरा का मैं ना नहीं पता यानी कि ये लोगों का प्यार है मैं उस बंदे का एफर्ट रोज़मर्रा जिंदगी साड़ी मुलाकात होती है एक छोटा जा भी काम होवे मलिक साहब नूं चैन नहीं आता साडा दफ्तर इसराइल गिर है आर्मी
विलेज रेस्टोरेंट है मैं ओन करना, कोई भी काम होगा असी हाजिर हाँ। और मैं जरूर तुहानू ये गुजारिश करांगा कि मलक वही साहब और मूसा लाई साहब की क्यादत है, ट्रस्ट करो कोई भी मामलात अल्लाह पाक खैर करसी वो जरूर हल हो सन। असी आ रहे सर तुहाड़ी रोड काफ़ी बुरी हालत में सी, तो मैं मूसा भाई ने कहा, मैं मूसा भाई ये रोड देख लो, और उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह ताला असी वक्त तो पहला भी कोशिश करांगे और जरूर असी इस काम नूं करांगे। बाकी टाइम बहुत थोड़ा है, अगर मेरे अल्फाज विच कोई गलती हो गई है सारे ना बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, तुहाडे वेलकम दा बहुत मज़ा आया। अरगू भी असी उम्मीद कर रहे हैं कि तुसी साडी टीम दा हिस्सा बनोगे, हम शम तो होंदे ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी लंगर का बंदोबस्त आया कि जो ताड़िया की आवाज ना आए तो फिर मजा नहीं, फिर ताड़िया मार गया। हाँ जी नारा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अज मूसा लाई साहब एक सानिया हो गया सी कि साढ़े भाई ने चौधरी वारिस अली साहब त्याल उन्होंने बेनोई की वफात हो गई जिसकी वजह तू थोड़ा जा प्रोग्राम दौरान थोड़ा जा डिस्टर्ब होया। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰੂਮ ਭਾਈ ਜਮੀਲ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਆਪ ਕੀ ਸਮਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰ ਆਪ ਹੈ ਕਨੇਲ ਬਰਾਤ एक जोशीला नौजवान जो कि होश भी रखता है और जोश भी रखता है, तो मेरी मुराद आपकी भरपूर तालियों में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग के जिला गुजरात मलक नदीम आसिफ अदा। सब तो पहला तो मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ राजा नवाज साहब का, मेरे बड़े भाई राजा नदीम नवाज साहब, राजा नईम नवाज साहब और मेरा बहुत प्यारा दोस्त भाई मिर्जा रफाकत अली बेग साहब का, कि उन्होंने एक खूबसूरत नौजवान जिन्हें कि 2015 के इलेक्शन दशकत मुस्लिम लीग नौन का बड़ा जोर आ तो बड़ी बेहतर पोजिशन चो जमात जो सू हुमरान जमात दी मलक भाई साहब ने इतों जित के मुस्लिम लीग नौन में शिकस्त दी, जोड़े छोटे मोटे हजारादार इन्हें कतर ऐलान करते फिरते कि जी अगर भाई सरपंच साहब जित जा तो अभी सियासत छड़ जाए तो झूठ झाट भी होता चढ़ने सियासत की जी होती वाह वह ही नहीं। तो मैं नईम नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करना जो उन्होंने बहुत खूबसूरत गिफ्ट क्योंकि जमात ने उन्होंने तहसील सदर बनाया तो उन्होंने भी आकर आ किया है कि बहुत अच्छा नौजवान टैलेंटेड बहादुर और जुरतमंद और सब तो बड़ी गल है कि अवान है तो लाजपाल है तो अवान होना इस गल का इतनी शनाख्त है कि अवान जिद गल कर लैन जिंदगी मौत मेरे अल्लाह को है नफे नुकसान मेरे अल्लाह को है लेकिन जी जबान कर अपनी जबान का पास जरूर है। जिंदाबाद वही सरबर साहब तुहानू मुस्लिम लीग कास्ट ए अदना कारकुन खुश आमदेद भी कहने और भरपूर इस गल का इतमान भी देने कि धुप में भी छा भाई हो लेकिन यह जी वादा किया शमूलियत की है ये अपने फैसले से अच्छा लग जाएगा खुशी भी होगी तो इंशाला अगे जाओगे बहुत बेहतर जाओगे। दूसरी इस इलाके की जी सियासत है इन्हें एकत्र की पिछले 10 साल तो बड़े मुश्किल हालात गुजरे 2000 परेशान भी है जुल्म जबर अजारादारी गुंडागर्दी और बदमाशी का जरा चल रहा पिछले 10 साल तो यह खात्मा किंज होगा परेशानी है सवाल अल्लाह गफूर रहीम तो इलावा साड़ी कोई भी सुनने वाला कोई नहीं। परेशानी के आलम चौधरी वजाह साहब ने मेहरबानी की थी। मैं समझना मेरे तो खुदू भी एहसान किया एकहत्तर की आवाम से भी एहसान किया कि अपना सब तो लाडला बेटा सब तो प्यारा बेटा जिसकी उम्र 22 साल उन्हें क्या
नदीम आशिक साहब मेरी उन्होंने मुलाकात भी साढ़े जे उम्मीदवार है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन्होंने कार ही हुई फातिहा से उन्होंने कहा बेटा ये प्रोग्राम है मैं क्या जैसे जी कोशिश बड़ी है मुस्लिम लीग दो दिशकत हो गए लेकिन असं नाकाम हो उन्होंने कहा बेटा अगर मैं इलेक्शन इतों लड़ा तो तू कि आना मैं क्या जैसे जी वादा करना मैं चौधरी बजार पसंदा हालांकि मैं पीपल्स पार्टी से हाँ मैं कैंडीडेट हाँ वो मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल गल भी मेरे वाले की पार्टी 20 साल उन्होंने गुजारे पंजाब साहब क्या मूसा वाला इलेक्शन लड़ेगा तो नदीम आशिक मोढ़े से मोढ़ा ला के खड़ोना है अल्लाह के फजलो करम 24 महीने तू चौधरी मूसा वाला नाल कल ही तुरे है चौधरी रजा बड़ाए जा चौधरी शबाज कपराली है सियाल साहब है दो चार होर साढ़े नाल दोस्त है असं तुर पे दोस्तों सवाल भी है गुजारिश भी है कि हुण दसो भाई इलेक्शन मूसा लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा हुण परेशान क्यों ते हुण चीका क्यों मार दे हूँ हौसला करो वाला मार मार के बुलाया आ जा हूँ मूसा आ गया हूँ इलेक्शन लड़ो कमांडर चौधरी बजाद हुसैन तेरा भाई मेरा भाई मूसा इलाही आ गया तो इंशाल्लाह 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 अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो जी मेरे को चौधरी मूसा इलाही को चौधरी बजाद हुसैन को 21,000 है कि असी पूरी ईमानदारी अपने रब न आदर नादर जान के थोड़ी खिदमत करिए दिलों में जगह बनाइए और साबित करा दईए कि असी हकदार हाँ असी जालम नहीं असी मजलूम दे सब जिंदाबाद बाकी फजल करना कर्म करना मेरे रब का काम है थोड़े दिलों में चौधरी मूसा इलाही की मुहब्बत पैदा करना मेरे रब का काम है तो मैनू नजर आ रहा है भाई सरवर की शक्ल में जो मेरे अल्लाह ने साड़ी वो सदा सुन ली है बेशक इलेक्शन कल होवे इलेक्शन 2023 च होवे इलेक्शन 2022 च होवे इस हल्के का MNA इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल चौधरी मूसा इंशाल्लाह मैं दूसरे जेडे लोग प्रोपोगंडा करने वाले ने उन्होंने मैं कहना और मैं दोस्तों यही गुजारिश करांगा कि प्रोपोगंडे चो निकलो हकीकत पसंदी का मुजहरा करो चौधरी मूसा इलाही ने पिछले 2 साल अपने आप NA 71 का MNA भी मनवा लिया ये भी मनवा लिया कि मूसा दे आवन नाल काफी लोग परेशान ने कार के अंदर वाले भी परेशान ने कार के बाहर वाले भी परेशान ने तो कार वाले नाल थले ही करने ते बाहर वाले नाल मुकाबला इंशाला कर लेंगे बहुत मिले मियां साहब कहने ना कि मैं शेर पढ़िया फिर पढ़ देना कि मर्द मंदारे कदे नहीं हारे गजदे ने शेर मरेले मर्द मंदारे कदे नहीं हारे गजदे ने शेर मरेले मर्दा उत्ते आंदे रंदे औखे सौखे बेले आपकी भरपूर चाली में आज के इस प्रोग्राम के मेजबान चेयरमैन यूनियन काउंसिल मिजर मुल्तान मलक प्राइम सोलर अवार्ड आउज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सब तो पहला ते आमन वालिया भरावां नूं मेरी तरफों अस्सलाम अलैकुम जितने भी भाई बुजुर्ग आए ना मैं उन्होंने मशहूर हाँ तो मैं उन्होंने हादर हाँ जिन्होंने इतनी गर्मी में अपना कीमती वक्त में दिता है इस कट के 2-3 एजेंडे मैं उन्होंने सारे वारी वारी लिया सामने तक सब तो पहला तो जिस गल का काफ़ी दिनों की शोर है शोर पे इलाके में जी मैं कहना कि मैं पहला सारे भावों दसदा जी गल का सू रोला थोड़ा कि कर रहा मैं इस गल तो जी मैं मतलब बई सरवर अवान वज गुलाम सर अपने लागद अपने यार दोस्तों समेत
पीडीएम वाले छोड़ कर चौधरी मूसा सलाई साहब की क्यादत में शामिल हो रहे हैं। जिंदाबाद। उन्होंने शामा बशामा चलने का ऐलान भी करना हर काम में बुरे विच के चंगे विच नाल करवाऊंगा। मेरी बीटियां छोड़ने की वजह की बनी है, असी सारे भावों बजुर्गों ने मिलकर पीटीआई का झंडा उस वक्त गड़िया से जो तो कोई भी पीटीआई का नाम लैन वास्ते भी तैयार नहीं है। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, सब मेरी मावं भैन भावों बजुर्गों ते सारे भावों ने मेहरबानी जिन्होंने सू उस वक्त टाइम दिखाया। उसके बाद मेरे एक मुसीबत आ गई जिस वजह ना मैं इतने ना हो सकया, लेकिन उस मुसीबत के दौरान भी बड़ा इलेक्शन आ गया, मेरे बुजुर्ग इतने आए तो ये लियाकत साहब लोग मैं कि बहुत सारे वोटर इतों ना विन करके कह दिया, पीढ़िया ने जलसे करवाए, दौड़े ना बछाए, गड़िया फरमाई, लेकिन तुम पता है कि उन्होंने साढ़े इलाके में काम तक दूर की गल गड़िया सड़क से आपको देखते हो पे, मेरे ख्याल से उन्होंने एक फातिया भी साढ़े पिंड आ गई। तो यह थोड़ी थोड़ी गलों की वजह बनी है कि अच्छ मैं समझ पीटिया बेहतर साढ़े चौधरी साहब जो कम अज कम छोटी जी उम्र हो गया हल्के का एक भी फातिया जनाजा नहीं छोड़ते पे, 10, 12, 14 मैं खुद उन्होंने नाल भी गया पिछले हफ्ते एक फातिया तक नहीं छोड़ते पे, उन्होंने बढ़िया पुराने सियासी नौ समझ गए छोटी उम्र में सारे इलाके वास्ते सारे भावों वास्ते सब भी बेहतर है। तो मेरी दरखास्त है तेरे सारे भावों मैं चौधरी साहब को एक बार मिलिया सर, मैंने और मुलाकात प्यार बदल ली उन्होंने, उन्होंने जबान उन्होंने हलूस इतना अच्छा से कि मैं समझा कि साढ़े मेरे वास्ते नहीं सिर्फ साड़ी वाह वास्ते उसकी बेहतर लीडर साहब मैं सकत्र नहीं लग सकता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साढ़े इलाके वास्ते काम भी करन दे कमां जाल भी बिछा दे सड़क भी बन गई नालियां बनियां बन गई उसकी आठ है। मैं समझ जो मैं देखना पिया कि वो फातिया जनाजे छोटी जमी खुशी तेरे भरावान बुजुर्गों ना साढ़े सारे नाल फैलाउन दे। मेहरबानी कर सारे दरखास्त है कि चौधरी साहब को एक मौका दो मिलो एक दफा जाके उन्होंने बुलाओ अपने घर तुम भी पता लगे वो तुम देने वास्ते उन्होंने को ऐप है। उसके अलावा ना तो इमरान खान के घर इस्लामाबाद बुलाना मैं ना तो नवाज शरीफ ने सानू लाहौर बुलाना मैं ऐ जो तक सकते चौधरी साहब बिल्कुल साढ़े बिच आके इतने बैठे तेरे भरावान नाल तुम्हें यह गुजरात है जरा मर्जी प्राज आए उन्होंने को टाइम होता है सुबह देखी जाए पंडाल बैठे होते दुनिया बैठी जाए तो मैं समझा साढ़े उन्होंने बेहतर साढ़े आवाम वास्ते साढ़े इलाके वास्ते उसका बेहतर लीडर नहीं तुम लग सकता। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी साढ़े सारे भावों की आमदी चौधरी साहब ने भी जिन्हें सू टाइम करना दिता है इस वक्त गर्मी इतना इंतजार से उन्होंने करवाया वै चौधरी राजा साहब का नदीम आशिक अवान साहब का ना जितने संगी साथी आए हैं तो मेहरबानी थोड़े भावों की आवाने वाले ने मिर्जा रफाकत बेग साहब बना दी भी मेहरबानी बहुत बहुत ਇਸਦੀ ਅੜਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਾਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜਿਆ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜੋ ਕਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਮਲਕ ਦੇ ਸਰਵਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੇ ਹਮਲਾ मुस्लिम लीग काफ में बकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। मियां साहब के शेर नाल चौधरी मूसा लाए साहब नूं बुलाण लगा ते मैं देख रहा है कि तुसी अपने मौजूद मेहमान का किस तरह इस्तकबाल करदे हो क्योंकि साडिया जिहड़ी धरती है ये बड़ी मेहमान नवाज है। मियां साहब कहंदे ने इको तेरी ओट खुदाया होर नहीं कुछ सुझदा, इको तेरी ओट खुदाया होर नहीं कुछ सुझदा, जिस दीवे नूं तू आपे बाले कद किसे तू खुलदा। आपके भरपूर तालियों में दान में मुस्लिम लीग का उम्मीदवार अलकान कतर यारो चौधरी मूसा इलाही Thank you.
सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का और साथियों का जो आज यहाँ पे आए हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने मेरे साथी भाई जिन्होंने हमारा इस्तकबाल किया है, इतनी प्यार और इतना मोहब्बत हमें दी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और इतनी प्यार मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। इधर आज मलिक वहीद सरवर साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल बदर मरजान, काफ लीग में हमारे साथ शमूलियत कर रहे हैं, उनका मैं अपने दिल की यथागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो फैसला किया है, इंशाल्लाह ताला जिस उम्मीद से और जिस प्यार से उन्होंने हमारे पे इत्मीनान किया है और ये फैसला किया है, इंशाल्लाह ताला इनकी उम्मीदों में पूरा पड़ेंगे। इंशाल्लाह ताला इनको वही इज्जत देंगे तो अपने घर वालों को देते हैं। इंशाल्लाह मेरे से पहले मेरे भाइयों ने तकरीर की, उन्होंने आप सबको बताया कि जब इस हलके में हमने शुरुआत की थी एन ए 71 में, तो यकीन माने सिर्फ 3-4 साथी थे हमारे, जो पुराने मुखलिस भाई चौधरी बजाज हुसैन साहब साथ चलते रहे हैं वही हमारे साथ चले थे। बाकी बहुत लोग थे जिन्होंने हमारे दौर में बड़ा बड़ा फायदा उठाया, बड़े बड़े काम कराए, लेकिन जब बारी आई एन ए 71 में हमारी शुरुआत की तो तमाम लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। लेकिन मैंने अपने अल्लाह से दुआ की थी और मैंने अपना इरादा मजबूत रखा था। मैं कहा बेशक हमारे पुराने साथी या जो लोग मुस्लिम लीग क्लब का हिस्सा रह चुके हैं, अगर वो आज स्टैंड नहीं ले रहे तो इंशाल्लाह ताला उनको मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि उनको स्टैंड लेना पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और आज आप देखें जितने लोग पहले चुप करके अपने अपने घरों में बैठे थे, जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी अपने दरवाजे खोल रहे हैं, जैसे जैसे नए लोग शामिल हो रहे हैं उनसे बेहतर लोग शामिल हो रहे हैं, उनको तकलीफ पड़ती जा रही है कि हमारी यह वैल्यू कोई नहीं रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ आप सबसे जितने लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं कि इंशाल्लाह ताला मुझे आज भी याद रहेगा, मुझे कल भी याद रहेगा कि मेरे साथ मुखलिस तरीके से कौन शुरुआत से था, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वही इज्जत दूंगा जो अपने घर वालों को देता हूँ, सिर्फ मलिक साहब को नहीं पूरी आवाम को पूरे बदर में जान दो इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे पहले प्रोपोगंडे चल रहे थे कि मूसा अलाई ने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो यहां तो मैं जो कह रहा था कि एक बंदा जो होता है, मैं किस अल्फाज में आपको बताऊं क्योंकि बेवकूफ से पढ़ के लफ्ज मेरे पास कोई नहीं, कि बेवकूफी की इंतहाई है कि एक बंदा डेली अपने घर से निकलता है, अवाम के बीच में रहता है, उनकी खुशी कमी में शामिल होता है और आप वो सवाल करते हो यार उसने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना, पहले अपने किबले दुरुस्त कर लो, अपने घरों से बाहर निकलो, अवाम के बीच में आओ, जब अवाम के बीच में आओगे या कोई अपनी वैल्यू दिखाओगे फिर अपने मुंह से मेरा नाम लेना, वरना मेरा नाम भी ना लो। यहाँ पे सियासत एन ए 71 की आजकल हर बंदा हर जुबान पे एन ए 71 की चर्चे चल रहे हैं, और ये आप लोगों में मेहरबानी है, ये मलिक साहब जैसे, राजा नदीम नवाज साहब जैसे, नदीम आशिक साहब जैसे, जैन नासिर साहब जैसे, हमारे जो प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, जो यहाँ के मजबूत घड़े हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इसलिए एन ए 71 में लोगों की चीखें निकल रही है, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने एक बार पहले चिड़ियावले बात की थी कि अगर अभी से इनकी चीखें निकल गई हैं तो 2023 में ये पागल खाने दाखिल होंगे इंशाल्लाह।
हमारा एक और जो लोग कहते हैं कि आप लोग पूरा गुजरात जाएंगे अपने काम कराने, उस बात का जवाब कोटले लंगड़ियाल रोड पे हमारा घर माशाल्लाह तैयार हो चुका है। और वो हमारा घर नहीं, वो एन ए कतर की अवाम का घर है। सराय आलमगीर मेन सिटी रोड पे हमारी रहायश तकरीबन बन चुकी है, 2 महीने में इंशाल्लाह ताला उसको भी इफ्तिताह करेंगे। वो भी मेरा घर नहीं, वो भी एन ए कतर की अवाम का घर है। और वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप लोगों को पूरा गुजरात ना जाना पड़े, आप लोगों के काम आप लोगों की दहलीज पे हैं इंशाल्लाह ताला। आज आप लोगों के प्यार और मोहब्बत देख के यकीन माने मैं मलिक रईस साहब का भी जैसे शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा। हमारे भाई भी हैं, हमारे साथी भी हैं, और जब ऐसे साथी, ऐसे शरीफ लोग, इज्जतदार लोग हमारे साथ शामिल होते हैं तो यकीन मानिए अल्लाह की मर्जी है भाई आज हमारे पास आए हैं। और मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि दिन रात मैं आप लोगों के बीच रहता हूँ। मैं इसलिए नहीं रहता कि मुझे कोई मुफाद है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दादा चौधरी जुबैर शहीद के मिशन पर चल रहा हूँ। उन्होंने हमेशा एक ही बात की थी कि अवाम की खिदमत करो, अपनी अवाम के दिलों में जगह बनाओ, अपनी अवाम से प्यार करके उनसे वोट लो, ना कि आप वहां पे जा रहे हो सिर्फ वोट मांगने। जब आपने अपना तल्लुक बना लिया है बंदों से तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज चौधरी वजाहत हुसैन साहब की तरफ से मैं इधर ऐलान करता जा रहा हूँ मलिक वहीद सरवर साहब का पूरे हल्का NA71 का कोऑर्डिनेटर का ओहदा मलिक वहीद सरवर साहब को दिया जा रहा है, तंजीम जिला गुजरात कई वजह से इंसान सदर साहब की तरफ से। इंशाल्लाह उन्होंने मुझे आज हदायत दी है कि अगले कुछ दिनों में मलिक साहब का टाइम भी बनवाना है मुजाब हुसैन साहब के साथ, इंशाल्लाह वहां पर बकायदा नोटिफिकेशन भी होगा इंशाल्लाह। आप सबका दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये भी बात लोगों के जहनों गुमान से निकल जाए, जो लोग कहते हैं PTI का आपका इत्तेहाद है या PTI है यहाँ पे टिकट दे देगी किसी और को, आप लीग इलेक्शन लड़ेगी, तो ये बात आप सब अपने दिलों में बिठा लें कि काफ होए, PTI होए, नून होए, मीम होए, जीम होए, इंशाल्लाह ताला आपका भाई आपका भतीजा यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा ही लड़ेगा इंशाल्लाह। जी हाँ।